आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हैंगिंग ब्रिज पर जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद अलग अलग मामले देखने को मिल रहे हैं। आप आइए इधर। ये हैं, क्या नाम है आपका? गुलशन बिन। तो ये दोनों आपके बेटे हैं, कितनी उम्र है दोनों की? एक की 20 साल और दूसरे की 18 साल। क्या हुआ है दोनों को? दोनों को एक मन का भांग गया, कमर का मन का टूट गया है। कितने मन के टूटे हैं? एक के चार में फ्रैक्चर हो गया है। चार में फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, हाँ। और इसको तो टांगे काम नहीं कर रही, रिकवरी नहीं आ रही पैरों में। अच्छा, दोनों पैरों में? एक पैर में जरा जरा आई और दूसरों में। क्या करते हैं आपके दोनों बच्चे? ये काम मजदूरी का काम करते हैं? हाँ। अच्छा, और आपके हस्बैंड? वो मजदूरी का हस्बैंड करते हैं और ये लड़के कापड़ की दुकान में जाते हैं। अच्छा, नहीं अच्छा। पर मोरबी में ही? मोरबी। तो आप कहाँ के? मोरबी से ही हैं प्रॉपर? मोरबी के। अच्छा, तो प्रधानमंत्री भी आए थे कुछ लोगों से मुलाकात करने? नहीं, इधर कोई नहीं आया। यहाँ आपके यहाँ कोई नहीं आया? तो आपसे मिलने कौन आया? हमसे मिलने कोई नहीं आया। कोई नहीं? अहमदाबाद से या गुजरात से और भी कहीं से, या कहीं के कोई नेता नहीं? कोई नहीं आए, कोई नेता नहीं आए। तो आपको मदद वगैरह कौन कर रहा है अभी? तो ये अमृत कार्ड माँ योजना निकाला है ना, उसमें से छम्मा कार्ड से भी आप कर रहे हैं आपका इलाज इसका? वही हॉस्पिटल में जमा कराया आपने? अच्छा, क्या नाम है आपका? दानिश राठौड़। अच्छा दानिश, ये कब गए थे ब्रिज पर आप? 30 तारीख के दिन किस कितने बजे? 5:30 शाम में। 5:30 क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे अभी तो हम गए थे पहले, दूसरे तीसरे पार्टी पर पहुँचे और पूरा ब्रिज ही गिर गया। अच्छा, तो तुम कहाँ ने कॉर्नर पे गिरे थे, बीच में गिरे, कहाँ पर? हम तो कॉर्नर पे गिरे जहाँ पे पानी नहीं था वहाँ। अच्छा, तो इसलिए जान बच गई आपकी? जान बच गई। तो हुआ कि आपको वैसे? मेरे को खेड़ में दुखावा हो गया है, वो जो मन के बोलते हैं ना, इधर मन के आपके कमर में, बिल्कुल करवट लेना करना बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, खड़े ही नहीं हो पा रहा हूँ। बैठ पा रहे हैं या नहीं? बैठ नहीं पा रहे। बैठना कुछ, बस लेटे रह रहे हैं आप? परसों से ऐसे ही लेटे हुए हैं आप? हाँ, ऐसे ही लेटे हुए। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल की है। 18 साल है। तो क्या करते हो आप? हम कापड़ में नौकरी करूँ। तो ये जो आपके साथ जो हुआ, इसके आप जिम्मेदार किसको मानते हो? ये तो हम किसी को नहीं ठहरा सकते ना जिम्मेदार, ये तो ऊपर वाले ने जैसे धारा हो गया ऐसा हुआ है। अच्छा, तो वो जो ब्रिज था उसके बारे में जो बता रहे हैं कि क्या था, बंद था ब्रिज या सही से काम नहीं हुआ था या क्या है? वो पहले बंद था ब्रिज और पूरा रिनोवेशन किया है और 2-3 दिन ही हुए थे ब्रिज खोला था ना उसको। तो यानी कि रिनोवेशन सही से हुआ था? रिनोवेशन सही से हुआ ही होगा ना। तो गिर गया इसलिए? गिर गया सही से हुआ इसलिए गिर गया? वो तो ज़्यादा पब्लिक हो गई इसलिए। अच्छा, ज़्यादा पब्लिक हो गई? ज़्यादा पब्लिक हो गई थी। तो आपको ये जो हुआ उसके बाद में आपके पास में कोई आए थे पुलिस वाले या अधिकारी या नेता या कोई भी? ना, नेता कोई नहीं आया था। तो कौन आया था, पुलिस वगैरह कौन आया? पुलिस आया था दो तीन। क्या बोल कर गए पुलिस वाले, क्या बात की? उन्हें सिर्फ वो लिख के गया था मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, पूरा बायोडाटा लिख के गए। और कुछ बोल कर गए आप? और कुछ नहीं बोल के गए। अच्छा, तो आपको क्या कुछ यहाँ से सुविधा वगैरह है, कुछ क्या क्या आपको मिला या क्या है? वो सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिली आपको? ना, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बोला माँ अमृतम कार्ड योजना है ना, उससे ये दवाई का ना उसका खर्चा से दे पा रहे बस, और बाकी का जो खर्चा है वो नहीं कुछ है अभी तक। तो घर से जा रहा है सारा? वो सिर्फ बोल माँ कार्ड में से ही है। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी काम करते। क्या नाम है? यूसुफ भाई सलेमान भाई राठौड़। अच्छा, आप कितने भाई हो आप? 3 भाई है। तो आप 2 हो और तीसरा भाई? तीसरा 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। छोटा है वो? आप छोटा दो भाई? हाँ। घर की जिम्मेदारी आप दोनों पर ही थी? हाँ, हमारे दोनों पर है। आप दोनों नौकरी करते हो, आप ही की जिम्मेदारी? हाँ, अपने मैं दोनों ही नौकरी करते हैं। और आप दोनों को ये प्रॉब्लम है? हमारे दोनों को प्रॉब्लम है। तो आपकी क्या मांग है आप सरकार से? तो कुछ मांग क्या कर सकते सर, जैसे कहा था सरकार ने कि भाई 4-4 लाख रुपए देंगे या 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, ऐलान तो किया था? कुछ कुछ नहीं दिया, कुछ हुआ ही नहीं। वैसे अगर देंगे 4 लाख तो काफ़ी है आपके लिए? 4 लाख रुपये वैसे देंगे तो काफ़ी, नहीं देने तो नहीं काफ़ी है। 4 लाख रुपए काफ़ी है? ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी 4 लाख? पूरी ज़िंदगी तो थोड़ी निकल जाएगी। तो आपकी कमर में जो प्रॉब्लम हुआ है, तो 4 लाख में आपको लगता है पूरा हो जाएगा आपकी सारा? नहीं होगा ना। तो सिर्फ दो महीने का ही कहाँ है इधर, सिर्फ खाटले में रहने का। 2 महीने खाटले में रहने का? हाँ, 2 महीने। तो उसी में आपका तो हो जाएगा 4 लाख? ना, उसी में तो। तो आप तो कह रहे हो काफ़ी है 4 लाख रुपया? काफ़ी नहीं है, देंगे तो काफ़ी, नहीं देंगे तो कुछ बात नहीं है। हमें से कुछ उम्मीद नहीं है, बस मिल जाए तो मिल जाए, मिल जाए तो मिल जाए, कुछ उम्मीद नहीं रखते हम। अच्छा, किसी से उम्मीद नहीं रखते।
किसी से उम्मीद नहीं है, आप अपने पर ही भरोसे रखते अभी। अच्छा, और अल्लाह पर नहीं रखते? अल्लाह पर भी रखते हैं ना। ठीक है, तो ये अब देखिए किस तरीके से ये दोनों भाई हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि यही दोनों इनके पूरे परिवार का सारा ये दो भाइयों पर ही था। एक भाई के पूरी स्पाइनल कोर्ड के 4 मनके जो है टूट चुके हैं, एक भाई के दोनों पैर जो है वो जा चुके हैं, काम नहीं कर रहे यानी। तो ये दो घर के पूरे सुतून जिसे कहते हैं स्तंभ थे कमाने वाले गरीब परिवार के। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब, आफ्ताब ये क्या हुआ था, आप ब्रिज पर गए थे तब क्या देखा आपने वहाँ पर? टूट गए में जाके जी, क्या हुआ था ब्रिज पर उस दिन? आखो ब्रिज पर पूरे मरा हुआ था मुझे। क्या हुआ था? मरा था मतलब आखो पुल पर मरा था। अच्छा, बहुत सारे लोग थे पुल पर। हाँ, फिर क्या हुआ था? टूट गया, टूट गया पुल। कितने लोग थे पुल पर? पूरा आखा पुल होता, पूरा पुल फुल था। अच्छा, टूट गया, फिर क्या हुआ उस वक्त? पता नहीं आपको? तो कुछ एम्बुलेंस वगैरह या सब कब आया था वहाँ पर? पुल गिरने के कितनी देर बाद आया था? जब आपके साथ में ये हुआ तो कितनी देर तक आपको वहाँ पड़े रहना पड़ा था? क्लाक 1 घंटे तक वहीं पड़े रहना पड़ा था। फिर कौन आपको लेकर आया यहाँ पर? फेरी वाला मेरे। कौन? फेरी वाले। फेरी वाले आपको लेकर आए? कौन थे फेरी वाले? फेरी वाले साथ में थे वो इनके। अच्छा, ये जो अच्छा ये जो हादसा हुआ उसके कितने घंटे तक इनको वहाँ पर पड़े रहना पड़ा था, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। मैं एक मिनट आप साइड में आ जाइए जरा सा। हाँ, क्या? 1 घंटा तक रहना पड़ा था वहाँ, वहीं पड़े रहना पड़ा था। वहीं पर पड़ा रहना, 1 घंटा तड़पते रहे आप वहाँ? वहाँ 1 घंटा तक तड़पते, 1 घंटे तक कोई नहीं आया लेने? कोई नहीं आया। फिर हमारे शेरी वाले और मेरे चाचा और भतीजे के सब के लड़के आ गए अभी। अच्छा, ये जो बता रहे हैं 1 घंटे तक, तो आपको लेने कोई नहीं आया 1 घंटे तक, क्या सभी का यही हाल था? सभी का वही हाल था। तो एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड वगैरह कुछ सहूलत वहाँ पे? 1 घंटे के बाद आया था। 1 घंटे के बाद आया था सब? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे तक कुछ नहीं आया? ना, 1 घंटे का कुछ नहीं आया। तो आपको जब वहाँ से लाए आपके रिश्तेदार, तो सीधे इसी हॉस्पिटल में लेकर आए थे कहीं और? सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ पे कोई अच्छा इलाज की कोई वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। कितने दिन आपको वहाँ पे रखा? वहाँ पे सिर्फ 1/2 घंटा 1 घंटा तक रखा। तो क्या हो रहा था वहाँ पर, क्या प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पर? वहाँ पे कोई अच्छे से ध्यान ही नहीं दे रहा था, इसलिए मेरे चाचा और नहीं ध्यान नहीं दे रहा था नहीं, क्या डॉक्टर नहीं थे, पलंग नहीं थे, क्या था? पलंग नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, वो सब कमी थी सब चीज़ की, सब चीज़ की कमी थी। पलंग भी नहीं थे, डॉक्टर भी नहीं थे? ना, डॉक्टर भी नहीं थे ज़्यादा, इसलिए इधर हम उनको ले आए। तो वहाँ सिविल हॉस्पिटल में कितने घंटे तक आपको बिना इलाज के कितने घंटे तक पड़े रहना पड़ा था? वहाँ पे 20-30 मिनट पर तो रहना पड़ा था मुझे, वहाँ पे कुछ ध्यान भी नहीं दे रहे थे कुछ लोग। फिर मेरे चाचा और रिश्तेदार सब लोग इधर मुझे लेकर आ गए, मैंने आपकी तकलीफ देखकर फिर आपको यहाँ पर लेकर आ गए, वहाँ पे लेकर आ गए। तो लेकिन देखिए, ये तो अपने वैसे राजनीति का तो टाइम नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि गुजरात में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, सारी सरकारी सुविधा अस्पतालों में रहती है, सारा सब कुछ अच्छा रहता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो चुटनी का सब माहौल चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हम। नहीं तो लेकिन जो वादे करते हैं मोदी जी और सारे दूसरे जो लोग सरकार हैं और जो वादे करती हैं कि गुजरात के हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, गुजरात मॉडल बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं, वो तो सब लोग जहाँ पे जाएंगे तो उससे मालूम पड़ेगा ना कैसा है कैसा रही। आप तो खुद देख कर आए? हम तो खुद देख कर आए हैं कैसा माहौल चल रहा है इधर। लाइव प्रैक्टिकल देखोगे तो मालूम पड़ेगा कैसा है, असली गुजरात मॉडल कैसा है, असली गुजरात मॉडल कैसा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।